हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत दिन के बाद हम कॉटन पिंक बोलवर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। मतलब अब हम पढ़ेंगे कुछ कॉटन के मेजर पेस्ट के बारे में। जैसे कि राइस के मेजर पेस्ट के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, तो उसके मतलब वीडियो जो है आप प्लेलिस्ट में जाके ऊपर देख सकते हैं। और उसके बाद हम आज स्टार्टिंग में पढ़ेंगे कॉटन पिंक बॉल वॉम के बारे में। ये एक कॉटन का मेजर पेस्ट है जो बहुत ही ज़्यादा कॉटन को डैमेज करता है। तो साइंटिफिक नेम से हम इसका शुरू करेंगे। सो इसका साइंटिफिक नेम है पेक्टिनोफोरा गोसिपाइला। जो कॉटन का साइंटिफिक नेम है वो गोसिपियम हिरसुटम, मतलब और भी स्पीसीज होते हैं, तो इसके उससे इसका स्पीसीज दिया गया है गोसिपाइला। और ये ऑर्डर लेपिडोप्टेरा में आता है। लेपिडोप्टेरा ऑर्डर सुनते ही आपको मतलब पता होनी चाहिए कि इसका जो मेटामॉर्फोसिस है वो क्या होगी, कंप्लीट होगी। और ये फैमिली गिलीसिडी में आता है। डिस्ट्रीब्यूशन तो जहाँ जहाँ कॉटन ग्रो होगा वहाँ वहाँ ऑब्वियसली ये मतलब पेस्ट पाइएगा, क्योंकि ये पेस्ट मेजर पेस्ट है इसीलिए। और उसके बावजूद इंडिया, पाकिस्तान, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, ये जहाँ मतलब मेजर कॉटन यहीं पे ग्रो होता है, तो ये पेस्ट भी यहीं पे पाया जाएगा। और होस्ट रेंज में है कॉटन, विंडी, होली हुक एंड अदर मालवेशियस प्लांट। मालवेशियस प्लांट में ये क्या होता है, ग्रो करता है, ये सरवाइव करता है इसीलिए। और आइडेंटिफिकेशन में हम कैसे पहचानेंगे इसको, पहले तो इसको पहचानने के लिए इसकी जो फोरविंग और हैंड विंग है वो मतलब हर पेस्ट की फोरविंग और हैंड विंग अलग अलग ही होती है। तो इसकी जो फोर विंग्स है, जो ऊपर वाले विंग्स है, वो थोड़ा डार्क ब्राउन कलर के होते हैं, जिसमें ब्लैक स्पॉट पाया जाता है, ब्लैक स्पॉट होते हैं उसमें। और जो हैंड विंग है, जो नीचे वाले विंग्स है, वो सिल्वरी ग्रे कलर के होते हैं, थोड़ा सिल्वरी और ग्रे कलर के होते हैं। और उसमें जो क्या होते हैं, लॉन्ग हेयर भी उसमें प्रजेंट होता है। और इसका जो एडल्ट है, जो इसको क्या बोलते हैं, मोथ बोलते हैं, जो मोथ है वो 5 to 6 mm होता है लेंथ में। और हैज़ विंग स्पैन ऑफ 12.5 mm। इसकी जो विंग स्पैन है वो कितनी होगी, 12.5 mm होगी। ये तो रहेगा इसके मतलब कैरेक्टराइजिंग फीचर, आइडेंटिफिकेशन फीचर। और इसके बाद हम इसका मतलब डिटेल में पढ़ेंगे पेस्ट को, सारे पेस्ट को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ही मतलब एक इम्पोर्टेंट पेस्ट है इसीलिए। और इसके लाइफ साइकिल को हम देखेंगे। जो ये मोथ है वो साल में 2 बारी क्या होती है, इसकी इमरजेंस होती है, 2 बारी दिखा जाएगा। एक तो है मई जून में और दूसरा है जुलाई अगस्त में। मतलब जो मोथ अपेयर होने के बाद क्या करेगा, एग लेइंग करेगा। तो ये जो इसका जो एग का शेप है वो फ्लैट होता है और थोड़ा व्हाइटिश कलर का एग लेइंग करता है। और सिंगली एग लेइंग करता है, टेंडर लिप्स में, फ्लावर में और इमेच्योर बॉल में ये क्या करता है, एग लेइंग करता है। उसके बाद इसका एग पीरियड जो है वो 7 दिन का होता है। उसके बाद एग हैचिंग होंगे, फिर लार्वा होगा। लार्वा जो है वो कैसे होते हैं, वाइट कलर के होते हैं और बाद में ये पिंक कलर में चेंज होता है। जब ग्रो करेगा तब ये पिंक कलर के हो जाएंगे। इसीलिए ये पॉइंट बहुत ही नोटिस करने वाली पॉइंट है, क्यों इसका नाम पिंक बॉलवर्म रख दिया गया, क्योंकि इसका लार्वा जो है वो व्हाइट कलर का होता है। कोई भी पेस्ट का नाम अगर उसका लार्वा की उसमें रखा गया है, तो मतलब जो डैमेजिंग स्टेज है उसी की बेसिस पे पेस्ट का ज़्यादातर क्या किया जाता है, नाम दिया जाता है। तो इसका डैमेजिंग स्टेज लार्वा है, तो लार्वा बाद में क्या होगा, पिंक कलर का होगा। इसीलिए इसका नाम भी क्या दिया है, कॉटन पिंक बोलवाम करके इसका नाम दिया है। जो लार्वा है वो 14 दिन के लिए मतलब उसकी लाइफ स्पैन होती है। उसके बाद प्यूपा आएगा। प्यूपा होता है 7 दिन का होता है। और प्यूपेशन ऑक्योर ऑन द ग्राउंड एमंग फॉलन लिप्स एंड डेब्रिस। जो प्यूपा होता है वो 7 दिन के लिए, उसका प्यूपा क्या होती है, रेस्टिंग स्टेज होती है। वो कहाँ पे मतलब रेस्ट करेगा, जो गिरे हुए पत्ते हुए है या फिर प्लांट के कुछ डेब्रिस है उनमें प्यूपा पाया जाएगा। और उसके बाद जो लेपिडोप्टेरा, इसका कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा ही होगा, मैंने पहले भी बता दिया। और इसकी टोटल लाइफ साइकिल जो है वो 28 to 46 days में इसकी क्या होगी, पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। इसी दौरान ये क्या करेगा, एग लेइंग करेगा, फिर लार्वा होगा, फिर
प्यूपा होगा जो लार्वा है वो पूरा क्रॉप को डैमेज करके भी इसकी लाइफ साइकिल, फिर उसके बाद एडल्ट होगा प्यूपा के बाद तो पूरी लाइफ साइकिल इसकी कंप्लीट हो जाएगी। कितने दिन में? 28 to 46 days में। एग्जाम में ये सब लिखना पड़ेगा तो बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंस है, अच्छे से आप लोगों को समझ भी आया होगा आई होप। और उसके बाद है डैमेज सिम्टम। डैमेज सिम्टम अब क्या, हमें एक बात तो पता चल गई, जो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर है उसकी डैमेजिंग स्टेज क्या होगी, लार्वा होगी, जो लार्वा है वही फीड करेगा और उसको लेपिडोप्टेरा ऑर्डर की लार्वा को हम क्या बोलेंगे, कैटरपिलर बोलेंगे। तो कैटरपिलर जो है वो क्या करेगा, फ्लावर बॉड को फिट करेगा, फ्लावर्स को फिट करेगा और जो बॉल है उसमें क्या करेगा, बोर करेगा, छेद करेगा, छेद करने के बाद ही वो अंदर जाएगा। और उसके बाद व्हेन दे बोर इन टू द फ्लावर बॉड, जब ये फ्लावर बॉड में बोर करेगा, छेद करेगा, दे फीड ऑन डेवलपिंग एंथर एंड स्टाइल एंड ओकेजनली एन ओवरी। फ्लावर बॉड में ये छेद करने के बाद क्या करेगा, वहाँ अंदर जो है एंथर स्टाइल ये जो ओवरी लगाए थे सबको वो क्या करेगा, फीड कर देगा। फीड कर देगा तो क्या होगा, कॉटन का फ्लोरिंग ही मतलब डैमेज हो जाएगा, उसके बाद कुछ हो ही नहीं सकेगा, फ्लोरिंग ही नहीं हुआ तो। और उसके बाद है व्हेन दे आर फाउंड इन फ्लावर, जब ये किस में मिलेगी, फ्लावर में मिलेगी, तो द फ्लावर्स डू नॉट ओपन एंड गिव रोसेट अपीयरेंस, पूरा ये खा जाएगा तो फ्लावरिंग क्या, फूल क्या करेंगे, खिल नहीं पाएंगे, खिल नहीं पाएंगे तो उसमें कुछ भी नहीं होगा तो यील्ड भी नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है। तो उसके बाद द यंग बॉल्स व्हेन अटैक आर शेड आफ्टर अ फ्यू डेज बट द लार्जर बॉल्स रिमेन ऑन द प्लांट, जो यंग बॉल्स है उसमें ज़्यादा ये अटैक करेगा कुछ दिन के बाद, ये मतलब बॉल्स भी कटन के क्या होंगे, गिर जाएंगे, और जो स्मॉल बॉल्स है वो गिर जाएंगे, जो लार्जर बॉल्स है वही प्लांट में रहेंगे। और सीड्स आर डिस्ट्रॉयड एंड लिंट गेट स्टेन, जो कॉटन के सीड है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जो लिंट है वो भी ख़त्म हो जाएगा, इसको भी ये बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। द अपर्चर थ्रू हुइच दे मेक देयर एंट्री इनटू द बॉल इज क्लोज, जहाँ से छेद करके ये जो लार्वा है वो उसने एंट्री किया था, बाद में वो जो छेद है वो क्लोज हो जाएगा और उसके बाद जो प्लांट जो इन्होंने छेद करके लार्वा क्या क्या करेंगे, अंदर जाएंगे बॉल के अंदर, कॉटन बॉल है उसके अंदर जाएंगे, अंदर जाने के बाद वो छेद पूरा बंद हो जाएगा अंदर से, तो उसके बाद हमें हम पहचान ही नहीं पाएंगे कि कौन सा बॉल हेल्दी है कौन सा इन्फेस्टेड है, तो पहचान नहीं पाएंगे तो हम उसका क्या करेंगे, ट्रीटमेंट भी नहीं कर पाएंगे, ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, पूरा अंदर से डैमेज कर देगा, हमें पता ही नहीं चलेगा, हम तो यही आस में बैठे रहेंगे कि हमें यील्ड मिलेगा, यील्ड मिलेगा कॉटन में बॉल जो है उससे, बाद में हमें जब पूरा डैमेज हो जाएगा अंदर से, जब गिरने लगेंगे बॉल पूरा तब हमें पता चलेगा, तो क्या फ़ायदा, इसीलिए पहले इसको डैमेज जो इस सिम्टम है उनको अच्छी तरह से जानने की ज़रूरत है। उसके बाद मैनेजमेंट, अब हम इसको मैनेज कैसे करेंगे, मैनेजमेंट की कई मतलब उपाय होती है, तो कल्चरल मैनेजमेंट होते हैं, बहुत सारे होते हैं, केमिकल बायोलॉजिकल, और इसमें हम देखेंगे सब समग्र मतलब उसमें देखेंगे। तो फर्स्ट है कलेक्ट एंड डिस्ट्रॉय द सेड फ्रूटिंग पार्ट एट वीकली इंटरवल, जो कलेक्ट एंड डिस्ट्रॉय द सेड फ्रूटिंग पार्ट एट वीकली इंटरवल, हफ्ते के इंटरवल में, एक एक हफ्ते के गैप में मतलब बाद में क्या करेंगे, वो जो सेड फ्रूटिंग है उसको कलेक्ट करेंगे और डिस्ट्रॉय करेंगे, क्योंकि वहीं से तो कंटेमिनेशन होने की बहुत ज़्यादा संभावना है ना, इसीलिए उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। और उसके बाद है फेरोमोन ट्रैप, हम ट्रैप भी यूज कर सकते हैं, एट द रेट 2 bales per hectare टू मोनिटर द एडल्ट, एडल्ट को मोनिटर करने के लिए 1 hectare में हम 12 फेरोमोन ट्रैप लगा सकते हैं। और उसके बाद है क्रश द पिंक बोलोम लार्वा इन अ रोसेट फ्लावर, जो लार्वा है उसको हम क्रश कर देंगे वहीं पे फ्लावर। तो केमिकल मैनेजमेंट भी करेंगे हम, उसके केमिकल के थ्रू भी पेस्ट को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उस जो बॉलिंग स्टेज में और जो मैचुरेशन स्टेज में है कॉटन के, इस दो स्टेज में हम क्या करेंगे, केमिकल का स्प्रे करेंगे, क्यों, क्योंकि पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। और जो केमिकल है, किन केमिकल का हम स्प्रे करेंगे,
फर्स्ट में है साइपरमेथ्रिन 10 EC 500 to 700 ml, इसका ये इसका डोज है। और उसके बाद है फोसालोन एंड क्विनाइलफोस, ये दो केमिकल है, इसका हम स्प्रे करेंगे तो क्या होगा, ये पेस्ट कंट्रोल हो जाएगा। ये इस पेस्टिसाइड्स का हम यूज करेंगे इसके रिकमेंडेड डोज के आधार में। थैंक यू सो मच।